लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन समेत अन्य दिग्गजों ने सिलसिलेवार आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से मुश्किलें और चुनौतियां भी गिनाई। सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को पंगू बनाने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि राहुल ने इसे पीएम और गृह मंत्री द्वारा आपराधिक कार्रवाई करार किया है। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में आरोप लगाया कि भाजपा ने कुछ कंपनियों से पैसे लिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फरवरी में कांग्रेस ने दावा किया था कि 210 करोड़ रुपए की कर मांग विवाद के सिलसिले में आयकर विभाग ने उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि आईटी विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो सबसे पहला तो ये कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव में पार्टी को कमजोर करने के लिए योजनाबद्ध किया गया था। गांधी ने कहा कि हमारे नेता देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उड़ान नहीं भर सकते, उड़ान तो छोड़िए वो ट्रेन भी नहीं ले सकते। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के बैंक खाते फ्रीज होने के कारण पार्टी प्रचार का काम नहीं कर पा रही है। भारत के 20% लोग हमें वोट देते हैं और हम किसी भी चीज के लिए 2 रुपए का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। हम कोई प्रचार कार्य नहीं कर सकते, हम अपने उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। देश में एक चुनाव आयोग है लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रमुख विपक्षी दल की वित्तीय स्थिति पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता से एकत्रित धन को रोका जा रहा है और हमारे खातों से जबरन पैसा निकाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भाजपा ने अपने खातों को हजारों और करोड़ों रुपए से भर दिया है। दूसरी ओर एक साजिश के तहत मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया, इसलिए धन के अभाव में कोई समान अवसर नहीं है। ये सत्तारूढ़ दल का एक खतरनाक खेल है जो एक दुर्गमी प्रभाव होगा। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए ये तमाम आरोप सही हैं या गलत? इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।